एक गेम खेलते हैं, और गेम ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो गेम ऐसा है कि आपको एक बकरी का बच्चा हो रखा है इधर, बहुत छोटा सा काला सा गुज्जा, ये देखिए बहुत ही जहरीला होता है भाषा में, बहुत खतरनाक। ये देखिए काला काला सा। हेलो दगड़ियों, सुप्रभात। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, मेरा नाम है नरेंद्र नेगी और स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में और देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ों में। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। अभी सुबह के 10 बज गए हैं और देवभूमि उत्तराखंड के पहाड़ों में एकदम चमचमाती हुई, एकदम मस्त वाली धूप अभी लगी हुई है और साथ में बादल भी लगे हुए हैं। तो अभी मेरी तैयारी हो गई है मिर्च वाले खेत में जाने की। तो आजकल मिर्च के खेतों में जो मिर्च के बीच में खरपतवार है, यानी कि फालतू घास है, उसको निकाल रहे हैं। तो चलिए, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि सोयाबीन है दोस्तों, कुछ इस प्रकार के होते हैं पहाड़ों में सोयाबीन, ये देखिए। तो इस खेत में बहुत सारे हैं जिसका भी खेत होगा, और चूहा भी नहीं लगा यहाँ, जैसे चूहा इनको नष्ट कर देता है। बहुत सारे हैं सोयाबीन, देखिए ये पूरी झाड़ियाँ जो है सोयाबीन की हैं। तो बहुत ही प्रोटीन विटामिन सोयाबीन से मिलता है। तो अभी मैं पहुँच गया हूँ खेतों के सामने। तो इधर है मम्मी खेत में, तो यहाँ है हमारे चार मिर्च वाले खेत। तो एक का काम तो हो गया कल, और सामने है बाबा भैरवनाथ जी का मंदिर, और मंदिर के ठीक नीचे एक नदी बहती है जो कि ऊपर कालिंका मंदिर से होके हुए आती है, और ये मलालोखरा की नदी है, यानी कि हमारे गांव की नदी। यहाँ तक, यहाँ से मटखाने की सरहद जो है शुरू हो जाती है। तो अभी चलते हैं खेत में। तो आज नदी में काफ़ी सारा पानी हो रखा है, देखिए खूब सारा पानी। और यहाँ है खेत में तिल के पेड़ पौधे, तिल हैं दोस्तों, और इनकी चटनी बहुत ही स्वादिष्ट होती है। तो काफ़ी सारे हो रखे हमारे इधर से पूरे आगे तक, और मिर्च भी काफ़ी अच्छे हो रखे हैं, लेकिन इनके बीच में जो झाड़पात है ना, वो हमको भी साफ करना है। तो दोस्तों, अभी दिन के 12:30 हो गए हैं और बहुत ही खतरनाक वाली धूप आज भी लगी हुई है। तो अभी ऐसा करते हैं, घर चलते हैं। तो लगभग हमने आधा खेत बना लिया, ये वाला भी मम्मी और मैंने, और यहाँ पर आया हमारा शेरू हमें लेने के लिए। शेरू धूप से उसने अपनी जीभ बाहर निकाली हुई है। तो अभी शाम के 4 बज गए हैं और हम फिर से आ गए खेत में। तो दोस्तों, अभी का जो सीन है ना, एकदम टनाटन वाला है, और सामने ये घास देखे एकदम मस्त लग रही है, एकदम लहरा 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 कर हवा के साथ, और नीचे गधेरा और गधेरे की आवाज़। ठीक सामने है जंगल जिसमें कि बांस ब्रांस और चीड़ के बहुत सारे पेड़ और झाड़ियाँ हैं, नीचे सीढ़ीदार खेत, और ठीक सामने मटखानी गांव। तो इतनी सारी चीज़ें अभी यहाँ से दिखाई दे रही हैं, और सभी लोग अभी लगे हुए खेतों में काम करने में। तो अभी शाम हो गई है और फाइनली हमने ये वाला खेत में पूरा काम कर लिया है। तो अभी शाम का नज़ारा कुछ ऐसा है, और देखिए कितने अच्छा उड़ रहा है। कितना सुंदर लग रहा है ना। तो दोस्तों, आई मैं खेत से आ रहा था और मैं आ रहा हूँ घास का वारा। तो मैंने अभी एक सामने बिसाया हुआ है, यानी कि मैं बिसाया हुआ है बोलते हैं, तो यानी कि रुका हुआ हूँ। और अभी मौसम ने पूरी करवट बदल ली है, पूरे बादल आ गए बारिश वाले। तो किसी भी टाइम बारिश हो सकती है, जैसे कि कल रात को ही हुई थी बहुत तगड़ी वाली बारिश। तो आजकल ऐसे हो रहा है पहाड़ों में, मौसम किसी वक्त बदल जा रहा है। तो दोस्तों, आज है ब्लॉग का दूसरा दिन, और अभी सुबह सुबह का टाइम है, अभी सुबह के 6:30 हो रहे हैं, और इस टाइम मैं अपने बैलों के साथ जंगल में, और अभी सामने से सनराइज होने वाला है, यानी कि सूर्य उदय होने वाला है। तो सूर्यदेव जी बादलों के पीछे आ गए हैं अभी, और सुबह सुबह का नज़ारा, काफ़ी सारे हॉल भी लगी हुई है। तो दोस्तों, अभी सुबह के 9 बज गए हैं और नाश्ता पानी करके हम फिर से आ गए खेत में, मिर्च वाले खेत में। तो आपने कल और परसों देखा होगा, दो खेत हमने निपटा लिए थे, ये है तीसरे खेत, इसके बाद चौथा खेत, तो आज है तीसरे खेत के बारे, और ये भी बहुत लंबा खेत है। और जो मिर्च है ना, काफ़ी अच्छी हो रखी है, मतलब अच्छा लग रहा है देख कर भी, कि जितनी मेहनत की थी
उतना हो ही गया लगभग। तो मिर्च के खेत में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों। अभी सुबह के 11 बज गए हैं और बहुत ही खतरनाक वाली धूप भी लगी हुई है, तो पहाड़ों में आसान नहीं है मिर्च की खेती करना। तो जब से मिर्च को बोते हैं फागुन चैत के महीने से, और उसके बाद जब मिर्च ऊपर आ जाते हैं ज़मीन से जमकर, तो तब से खेत में लगातार काम होता है मिर्च के खेत में, और काम करते रहते हैं जब तक इनको घर नहीं ले जाते। तो बहुत ही कठिन काम है मिर्च का वाला। काफ़ी सारे लोग तो मतलब कम बोते हैं मिर्च को, लेकिन पिछले साल से भाव थोड़ा ठीक ठाक हो गया, तो अब इस बार काफ़ी सारे लोगों ने इंटरेस्ट रखा हुआ है, तो बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों अभी आ गए हैं हम घर में, और घर में आते ही देखा तो एक बकरी का बच्चा हो रखा है इधर, बहुत छोटा सा काला सा। तो ये आज ही हुआ है और बहुत छोटा है, एकदम प्यारा सा है। और यहाँ पर शेरू महाराज भी लेटे हुए हैं अभी बंदरों को भगा के आते हुए, तो बंदरों के लिए तो एकदम शेर बन जाता है शेरू। तो अभी दिन का नज़ारा कुछ ऐसा, बहुत ही तेज धूप, और ये रहा सामने अपना गांव रनवाल वाखली मल्ला लखोरा, काफ़ी शानदार जगह पर ठंडी ठंडी हवाएं चलती हुई। तो आजकल जो है सुबह शाम को थोड़ा बहुत जाड़ लगना भी स्टार्ट हो गया है, और यहाँ पर जो लौकी की बेल है उस पर लौकी लगने भी स्टार्ट हो गए हैं छोटे छोटे। तो अभी होंगे या नहीं होंगे वो तो आगे अभी देखा जाएगा, क्योंकि सड़ते भी हैं ये बहुत ज़्यादा, लेकिन बेल जो है बहुत बड़ी हो गई है। और कनस्तर में भी बहुत सारे तुलसी के पौधे, काफ़ी सुंदर। तो दोस्तों अभी ऐसा करते हैं ब्लॉग को आगे बढ़ाने से पहले एक गेम खेलते हैं, और गेम ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो गेम ऐसा है कि आपको अपने गांव का नाम कमेंट सेक्शन में आज कमेंट करना है। आखिर हम भी तो देखें कि हमारे ऑडियंस हमें कहां कहां से देख रही है, किस किस गांव से देख रही है। तो प्लीज़ आप अपने गांव का नाम कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि फिर अगला ब्लॉग कभी बनेगा तो जिसमें आपका और आपका गाँव का नाम लिया जाएगा। तो यही है एक छोटा सा गेम। और अभी आ गए हम अपने सबसे बड़े वाले खेत में, और शाम के बज गए हैं 4। तो 3 खेत तो हमने निपटा दिए हैं मैंने और मम्मी ने, तो ये लास्ट खेत है बड़ा वाला। तो इसमें तो 2 से 3 दिन ज़रूर लगेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा उधर तक है और धूप भी काफ़ी तेज़। और बाकी ये सारे झंगोरे के खेत हैं, जिनसे झंगोरा भी झंगोरे की लवाई कर दी गई है। अब कुछ दिनों में इनमें घास की कटाई होगी और फिर एकदम साफ हो जाएगा। और यहाँ पर एक तितली भी आ गई है, तो दोस्तों आखिरकार मैं आपको बताता हूँ कि हम खेत में कर क्या रहे हैं, क्योंकि आप भी बोल रहे होंगे मिर्च वाले खेत में है कल से। तो दोस्तों ये हो रखा घास जो आप देख रहे हैं हरी घास, तो ये मिर्च का खेत से ऐसे उपाड़ना हो रखा है, यानी कि इसको उखाड़ेंगे ऐसे, ठीक है। और उसके बाद खेत जो है ऐसा हो रहा है एकदम साफ वाला। तो अब जो मिर्च झड़ेंगी वो ख़राब नहीं होंगी, और ये पूरी खेत में हरी घास हो रखी है, तो इसको पूरा उपाड़ना है, उखाड़ना है और फेंक देना है। तो ये काम हो रखा है खेत में। अगर हम इसको नहीं उखाड़ेंगे तो मिर्च की जो पेड़ है उसको ग्रोथ कम होगी, क्योंकि जो खेत में इसमें खाद है वो ज़्यादा मिर्च पर लग जाए, उस इस घास पर लग जाएगी, मिर्च पर ना लगने के बजाय। तो इस काम को करना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है ये। तो आजकल सभी लोग यही काम कर रहे हैं। और आपको इधर एक चीज़ बताता हूँ मैं, यह दिख गया मुझे गुज्जा, ये देखिए बहुत ही जहरीला होता है भाषा में, बहुत ख़तरनाक, ये देखिए काला काला सा। तो कमेंट में बताएं आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं, हम तो इसको गुज्जा बोलते हैं। अगर ये किसी को लग गया ना, इतनी खुजली होती है, खुजलाते रहता है आदमी मतलब। तो दोस्तों अभी शाम हो गई है और अंधेरा अभी होने वाला है, तो मौसम ने फिर से अपनी करवट जो है बदल दी है, पूरी बारिश आने की संभावना यहाँ पर। तो आज के ब्लॉग करते हैं यहाँ पर द एंड। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। मैं नरेंद्र नेगी मिलूंगा आपको अपने नए ब्लॉग में देवभूमि उत्तराखंड खूबसूरत पहाड़ों से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय देवभूमि उत्तराखंड।